खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं रचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी मुरादाबाद में महिला नर्स से हुई दरिंदगी की, पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की और अजमेर कांड पर आए बड़े फैसले की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अजमेर कांड पर कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। 32 साल पहले हुए अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को नाकाम करके दिखाएंगे, केंद्र की चिट्ठी के बाद बीजेपी पर बोले राहुल। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने कदम पीछे खींचते हुए लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है। सरकार के इस कदम के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान और आरक्षण की व्यवस्था की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। पीएम मोदी ने गले लगाकर किया मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का स्वागत, द्विपक्षीय बैठक में कई समझौते पर हस्ताक्षर। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। मंगलवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनवर इब्राहिम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की। केजरीवाल को अदालत से फिर लगा झटका, आबकारी मामले में 27 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई से जुड़े केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई के केस में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। बैंकिंग आईटी शेयरों में मजबूती से चढ़ा बाजार, सेंसेक्स 378 अंक उछला, निफ्टी 24,700 के करीब। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ हरे निशान पर बंद हुआ। क्लोजिंग के दौरान सेंसेक्स 378 अंकों की बढ़त के साथ 80,802 पर कारोबार करता दिखा। दूसरी ओर निफ्टी 126 अंक मजबूत होकर 24,698 पर पहुंच गया। तो ये तो थी आज के हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूटी से जा रही एक लड़की से 2 बाइक पर सवार 5 बदमाश खुलेआम राह चलते छेड़खानी करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने करीब 3 किलोमीटर तक लड़की का पीछा किया, अश्लील कमेंट्स किए और स्कूटी से गिराकर उसका किडनैप करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, बाइक सवार मनचलों ने लड़की को धमकाया भी। वहीं मौके पर मौजूद किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आप भी देखिए। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बदमाश पुरानी मंडी से लड़की के पीछे लगे हुए थे। लड़की उनसे बचने के लिए विक्टोरिया पार्क होते हुए यमुना किनारा रोड की तरफ भागी। हाथी घर के पास युवकों को छेड़खानी करता देख वहां से गुजर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी राजीव ने उन्होंने देखा और लड़की को बचाने का प्रयास किया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी राजीव ने जब बदमाशों को समझाने की कोशिश की तो दोनों आरोपी राजीव कुमार से भिड़ गए। राजीव कुमार ने तुरंत ही छत्ता चौकी पर तैनात इंचार्ज से संपर्क किया और सारी घटना बताई। तुरंत ही थाने की फोर्स युवकों के पीछे लग गई और घेराबंदी कर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी बाइक पर सवार 2 अन्य की तलाश की जा रही है। फिलहाल खबरें अब तक में बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला अभी शांत नहीं हुआ था, ऐसा ही एक और मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है।
जी हाँ, मुरादाबाद में निजी अस्पताल के डॉक्टर पर नर्स को बंधक बनाकर रेप का आरोप है। डॉक्टर ने वार्ड बॉय की मदद से नर्स को कमरे में बंद कर वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। कोलकाता जैसे कांड पर देश भर में आक्रोश के बीच मुरादाबाद में नर्स से रेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने घटना पर आक्रोश जताया है। बताया गया कि तीनों आरोपी विशेष समुदाय से आते हैं। दरअसल ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के MBM अस्पताल में एक दलित महिला नर्स के तौर पर काम करती है। दलित महिला नर्स का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर शहनवाज ने वार्ड बॉय जुनैद और महिला नर्स महनाज के साथ मिलकर रेप किया। पीड़िता ने इसकी शिकायत CMO से भी की है। इसके बाद CMO मुरादाबाद कुलदीप सिंह अस्पताल पहुंचे। वहीं पीड़िता के पिता ने तहरीर में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को एक नर्स ने बताया कि डॉक्टर ने उसे बुलाया है। जब बेटी ने जाने से इनकार कर दिया तो वार्ड बॉय जुनैद और महनाज उसे जबरदस्ती अस्पताल के ऊपर बने कमरे में ले गए और बाहर से गेट लॉक कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने रेप को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी दी। वहीं घटना को लेकर SP संदीप कुमार मीणा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 18/8/2023 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शहनवाज जो कि इस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। और इन तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा BNS की धारा 61(2), 64(3512), 127(2) और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है, और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर डिलारी थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मामले में आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों वार्ड बॉय को भी हिरासत में ले लिया गया है। इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खैर, चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में, हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को युद्धग्रस्त यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। यूक्रेन के इतिहास में पहली बार है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहा है, और वो भी युद्ध के बीच में। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के न्योते पर कीव जाने वाले हैं। PM मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पहली बार यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन से यूक्रेन अस्तित्व में आया था। तब से किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। PM मोदी पिछले महीने 8-9 जुलाई को रूस में थे। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया था। पश्चिम देशों को PM मोदी का ये रुख नहीं भाया। हालांकि मोदी अब यूक्रेन भी जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच PM मोदी के दौरे के बीच सिर्फ 1.5 महीने का अंतर है। PM मोदी 21-22 अगस्त को पोलैंड और 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर होंगे। मोदी की यूक्रेन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है, खासतौर पर तब जब रूस की सेना ने वहां के कुछ नए क्षेत्रों में अपनी फौज भेजना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में रहने वाले भारतीय समुदाय के प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही उम्मीद जता रहे हैं कि रूस से चल रहे युद्ध को विराम देने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। जाहिर है मोदी ने जून में इटली के अपूलिया में G7 शिखर सम्मेलन से इतर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत की थी। खास बात तो यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच PM मोदी के दौरे के बीच सिर्फ 1.5 महीने का अंतर है। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 साल पहले शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के अंत की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है?
क्या उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुहर लगवा ली और अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के सामने इसे पेश करने जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए काफी गंभीर हैं क्योंकि दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आस जता चुकी है कि वो चाहें तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की राह तैयार कर सकते हैं। ऐसे में उनका ये दौरा कई मायनों में काफी खास माना जा रहा है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राजस्थान के 1992 के बहुचर्चित अजमेर सेक्स और ब्लैकमेल कांड में मंगलवार को बड़ा फैसला आया है। 6 दोषियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 6 दोषियों पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले अजमेर के पॉक्सो कोर्ट ने सुबह ही 6 आरोपियों को दोषी ठहराया था। ये मामला मेयो कॉलेज की 100 से ज्यादा छात्राओं से जुड़ा हुआ है जिनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई थी। 32 साल बाद इस मामले में फैसले के समय सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। आपको बता दें ये मामला 32 साल पुराना है जब अजमेर के मशहूर मेयो कॉलेज के 100 से ज्यादा छात्राओं को आरोपियों ने फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया था। कॉलेज की 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ दरिंदगी करने वाले ये दोषी जब कोर्ट पहुंचे तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। दोषी करार दिए जाने से पहले वो एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए। हालांकि उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी गर्दन झुकी थी। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को अजमेर जेल भेज दिया गया। इस मामले में कुल 18 लोग आरोपी थे। इनमें से 9 को पहले ही सजा हो चुकी है जबकि एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं एक अन्य आरोपी पर एक बिजनेसमैन के बेटे से कुकर्म के आरोप में अलग से केस चल रहा है। एक आरोपी अभी भी फरार है जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इस मामले में 6 आरोपियों का ट्रायल इसी साल जुलाई में पूरा हुआ था और 8 अगस्त को फैसला आना था लेकिन अब जाकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसले के बाद सभी की निगाहें अब सजा की अवधि पर टिकी थी। आपको बता दें कि सच्ची घटना पर आधारित फिल्म अजमेर 92 में दावा किया गया था कि इस फिल्म में उन 250 लड़कियों की कहानी को बयां किया गया है जिनको जाल में फंसाकर रेप किया गया और फिर उन्हें सिलसिलेवार ब्लैकमेल किया गया। इस केस में सबसे पहले अजमेर के एक स्कूल की लड़की को फंसाकर उसके न्यूड फोटोज क्लिक किए गए थे। उसके बाद फोटो के आधार पर उसे और लड़कियों को इस खेल में शामिल करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था और फिर एक चेन बनती गई जिनमें कई लड़कियां शिकार बनी। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई से जुड़े केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के केस में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। वहीं यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर बहस छिड़ने के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस संबंध में कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। नई दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। इस मीटिंग में राज्यसभा सीट को लेकर चर्चा की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के बाद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा तथा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल प्रोटोकॉल डेवलप करने के लिए मंगलवार को 14 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। वहीं कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी मामले में सवालों के घेरे में आए कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ ताला थाने में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ विशेष सचिव देवल कुमार घोष ने एक लिखित शिकायत के जरिए संदीप घोष के खिलाफ ये केस दर्ज कराया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी और एक्स पर पोस्ट किया। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के अनुसार ये भूकंप सुबह करीब 6:45 पर आया। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कुछ तो खास है कि वो अपने विरोधियों के निशाने पर ही रहते हैं। इसका खास कारण है कि वे अपनी विचारधारा को लेकर स्पष्ट हैं और लीपापोती समझौते की राजनीति उन्हें नहीं आती। राष्ट्रहित में वे किसी के साथ भी चल सकते हैं, समन्वय बना सकते हैं, किंतु विचारधारा से समझौता उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उनकी वैचारिकी भारत बोध, हिंदुत्व के समावेशी विचारों और भारत को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की अवधारणा से प्रेरित है। ये गजब है कि पार्टी के भीतर अपने आलोचकों पर भी उन्होंने कभी अनुशासन की गाज नहीं गिरने दी। ये अलग बात है कि उनके आलोचक राजनेता ऊब कर पार्टी छोड़ चले जाए। उन्हें विरोधियों को नजरअंदाज करने और आलोचनाओं पर ध्यान न देने में महारत हासिल है।
उनके उलट पार्टी से नाराज होकर गए अनेक लोगों को दल में वापस लाकर उन्हें सम्मान देने के अनेक उदाहरणों से मोदी चकित भी कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि मोदी आलोचनाओं के केंद्र में रहे हैं, इसलिए इसकी बहुत परवाह नहीं करते हैं। वे कहते भी रहे हैं कि उनके निंदक जो पत्थर उनकी ओर फेंकते हैं उससे वे अपने लिए सीढ़ियां तैयार कर लेते हैं। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। कठिन समय के दौरान लिए गए सही निर्णय ही आपको परिपक्व बनाते हैं।